क्योंकि आप काफी टाइम से 11 साल हो गए इवेंट्स वगैरह करते हैं, तो इनके इन्होंने बहुत सारे लोगों को फेस भी किया है कि बहुत कैपेबल होते हैं. इनको बड़ा दुख होता है यार, इनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जब ये कुछ एग्जीबिशन वुमेंस की करते हैं या यूथ के लिए कोई भी प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, तो बाद में डिस्कस करते हैं यार बड़ा अफसोस हुआ यार, ये इतना कैपेबल है, इसको तो बहुत आगे जाना चाहिए. सर आपने बहुत सारे इवेंट्स भी किए हैं, खवातीन को भी आप बड़ी प्रमोशन देते हैं, ब्यूटिशियंस हैं, उनके अंदर स्किल्स आपको नज़र आती हैं, लेकिन कहीं कहीं आप भी डिसाइड हो जाते हैं यार इनके पास वो ऑफ़ कोर्स फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है तो वो आगे नहीं जा सकती, हमारे मुल्क में इतना वो नहीं है कि वो उनको प्रमोट कर सके, तो आपके जहन में क्या चलता है कि इनके लिए क्या बेहतर हो सकता है? इनके लिए क्या बेहतर हो सकता है? असल में हमारे पास प्लेटफॉर्म है मगर वो पर्टिकुलर एक लिमिटेड लोगों के लिए है, हर एक के लिए नहीं है. अगर हम हर एक के लिए अगर सब चीज़ ओपन कर देना तो टैलेंट को तो पूरा मुल्क या पूरी दुनिया देखना शुरू कर देगी, मगर हमारी अलमिया ये है कि एक लिमिटेड क्राइटेरिया, एक लॉबी सिस्टम है, उनको ओब्लाइज करते हैं. अब ब्यूटिशंस की बात करें, मैं 11 साल से ब्यूटी एग्जीबिशंस करवा रहा हूँ, मैं यूथ की एग्जीबिशंस करवा रहा हूँ, कराची यूनिवर्सिटी हो गई या ना वो हो गए NAD हो गए या सर सैद हो गए, इनके बच्चों के टैलेंट बहुत हैं, मैं उनके पास वो एक्सपेंडिचर्स नहीं है कि अपनी चीज़ को प्रेजेंट कहाँ कराएँ, कौन देखे, अलमिया है ना कि देखे कौन, जंगल में मुड़ना अच्छा किसने देखा. अगर आपके पास बच्चे के पास कोई टैलेंट है, अगर वो अगर उसको ऑब्लाइज नहीं कर, वो उसको पास पैसा नहीं है, अगर वो हाईलाइट नहीं कर सकता तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं ना, अगर जब तक ये देखा नहीं है. अब हमारे पास सिंगर्स हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ करवाता रहता हूँ, सिंगर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, उनको कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं यहाँ पे. इंडिया क्यों ओब्लाइज करता है, यहाँ से नए नए सिंगर्स को ओब्लाइज करता है. अभी तो हमारे पास 2-3 सिंगर हैं, राहत फतेह अली खान है या आतिफ असलम है, इनको ओब्लाइज करते हैं, मगर आप नए बैंड्स को देखें, उनके म्यूज़िक उनके ट्यून्स सब पिकअप करते हैं. क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा बनाते हैं, कम पैसों मिल जाता है, पैसे भी नहीं देते, उनको प्रमोशंस मिल जाती है. अलमिया ये है ना. अच्छा ये भी है.